कौन देगा रिंकिया के पापा को चुनौती। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट सीट पर होगा जबरदस्त मुकाबला। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट सीट से कन्हैया कुमार होंगे कांग्रेस के उम्मीदवार। कन्हैया कुमार देंगे कांग्रेस को संजीवनी। लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं। दिल्ली की सातों सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है, लेकिन कांग्रेस ने अभी भी सस्पेंस बना करके रखा हुआ है। जैसा कि सबको पता है कि आप और कांग्रेस दिल्ली में 3 से 4 पर गठबंधन में लड़ रही है। वहीं एक ऐसी सीट जिसको लेकर दिल्ली में अटकलें तेज हो चुकी हैं, वो है दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट। वहां से कौन होगा कांग्रेस का उम्मीदवार, ये बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से मनोज तिवारी कट्टर नेता के तौर पर देखे जा रहे हैं। वहीं इसी बीच कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार का नाम सामने आ रहा है और ये मुकाबला जबरदस्त देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट से कन्हैया कुमार का उम्मीदवार के तौर पर नाम आने के बाद से कांग्रेस की उलझन और तेज बढ़ती नजर आ रही है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से हिस्से में आई 3 सीटों पर लगातार माथापच्ची के बाद भी नामों का चयन बिल्कुल नहीं हो पा रहा। 2 बार केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चर्चा के बाद भी उम्मीदवार का नाम सामने नहीं आ पा रहा है। पिछली बैठक में नॉर्थ ईस्ट से कन्हैया कुमार का नाम आने के बाद से कांग्रेस के अंदर कई तरह के कयासबाजी तेजी से शुरू हो गई हैं। ऐसा भी माना जाता है कि उत्तर पूर्व दिल्ली में लगभग 21% मुस्लिम आबादी रहती है, जिसमें देखा जाए तो मुस्तफाबाद, सीलमपुर, करावल नगर और घोड़ा जैसे क्षेत्रों में दिखाई देता है, जहां मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा बताई जाती है। इसके साथ ही साथ उत्तर पूर्वी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में सबसे पिछड़े इलाकों में से एक बना हुआ है। साथ ही यह पूरी लोकसभा चुनौतियों और बोझ के साथ एक चुनावी हॉटस्पॉट रहा है। जैसा कि हम आगामी लोकसभा चुनाव की ओर देख रहे हैं, कोई भी उत्तर पूर्वी दिल्ली की दुर्दशा पर विचार किए बिना नहीं रह सकता। उत्तर पूर्वी दिल्ली दिल्ली का सबसे बड़ा जिला के तौर पर देखा जाता है, जहां SC 16.3%, मुस्लिम 20.74%, ब्राह्मण 11.61%, वैश्य की बात की जाए तो 4.68%, पंजाबी 4%, गुर्जर 7.57% और OBC उल्लेखनीय हिस्सेदारी रखते हैं। अब ये बड़ा सवाल बना हुआ है कि मनोज तिवारी इस लोकसभा सीट पर अपनी पैठ बना पाएंगे या कांग्रेस कोई बड़ा दाव खेलती हुई नजर आएगी। आप भी अपनी राय हमारे साथ साझा करें।